नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं पीएम इंटर्नशिप योजना में हम आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी स्किल के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पूरी डिटेल भर दी हमने, जो सातों स्टेप यहाँ पर आपको बताई थी, यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं कि हमने सातों स्टेप आपको बताई थी। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपको अप्लाई का ऑप्शन अब शो होने लगा है। तो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपको चले जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, पीएम इंटर्नशिप डॉट कॉम लॉगिन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट कर लेना है, एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पर यूथ रजिस्ट्रेशन में क्लिक करिए। अगर आपकी आईडी पासवर्ड है तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, एंड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंड आईडी पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है उसे आपको फिल कर देना है। एंड कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वो नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक कर देना है। एंड आप जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, वेलकम दीपेश को। तो चलिए यहाँ पर हम बता देते हैं, यहाँ पर आपने अपनी कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया तो व्यू एंड अप्लाई इंटर्नशिप, यहाँ पर आप जिस प्रकार ऐसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। एक कैंडिडेट, वन कैंडिडेट ओनली, पांच इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकता है, केवल पांच। ओके, सिर्फ पांच, किसी भी पांच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जिस भी राज्य के आप हो आपको देख लेना है कि आपके राज्य में कौन सा है। एंड यहाँ पर हम नीचे आपको नीचे और बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़। ठीक है, हम यहाँ पर अपना मध्य प्रदेश देख लेते हैं। आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसमें ही आपको करना है। एंड ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो साइट में यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल रहा होगा, एरिया एंड फील्ड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम अपना राज्य जो है वो देख लेते हैं कि हमारे राज्य का ऑप्शन आया है नहीं। अभी राजस्थान, राजस्थान आया है, ठीक है। यहाँ पर चलिए और हम देख लेते हैं हमारा राज्य कहाँ पर है, और हम सेवन वाले नंबर पर चले जाते हैं तो हम अपना राज्य को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश आ चुका है। जैसे आप पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, किसी भी स्टेट के अगर आप हैं तो उसमें आपको देख लेना है। जैसे हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिला आ चुका है, मध्य प्रदेश में गुना में आ चुका है, मध्य प्रदेश में फिर नर्मदापुरम में आ चुका है, फिर नर्मदापुरम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पर आप साइट में देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर हम पहले उसके व्यू देखेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ काम करने को मिलेगा। तो हम व्यू वाले ऑप्शन के अगर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं ले रहा है, डायरेक्ट आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, क्या आप श्योर हैं, क्या आप सच में इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसे आपको फिल करना होगा, ठीक है, आपको इसे फिल करना होगा। प्लीज गिव मी वेयर इंट्रोड्यूस अबाउट यूर सेल्फ, हमारे बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी आपको देनी होगी। एंड यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुल इंटर्नशिप उसकी जानकारी देनी है इन यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ भी इसमें टाइप जो है वो कर देते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आप देख सकते हैं कि आपको एक 1000 वर्ड के अंदर अंदर इसे समझाना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ भी कर देते हैं, बाकी हम बाद में इसे फिर चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर इसे कुछ भी डाल देते हैं। तो चलिए आपको आपके बारे में जानकारी यहाँ पर भर देना है, स्पेशल करेक्टर आपको कोई भी यूज नहीं करना है, व्यू अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।